हेलो दोस्तों, सो मैं आई हूँ शावर लेके एंड मैंने मेरा स्किन केयर किया है। अब हम थोड़ा सा रेडी होंगे दिन के लिए। सो इस रेडी होने को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, मैं आपके साथ क्विक शेयर करूँगी। लेटर मैं आपके साथ ना मेरा रूटीन फ्यूचर में शेयर कर दूँगी। मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाई है मैंने, सो मैं यूज़ करूँगी लैनकॉम की पेप्टाइड क्रीम। बहुत ही मज़ेदार क्रीम है ये, थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है और यार मज़ा बहुत आता लगा के। आज ना काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी दिन है एंड यहाँ पे कुछ बम्प्स आ रहा ना, वो मैंने मेरी स्किन के साथ छेड़छाड़ की थी कल, उसका नतीजा है। मॉइस्चराइज लगाने के बाद मैं सनस्क्रीन ज़रूर से लगाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज आपकी स्किन केयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और वैसे भी आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए। एंड ओके, मैंने ना कंसीलर यूज़ किया है निक्स का, बेयर विद मी। गाइस आपको ना कोई भी किस्म का रूटीन ज़रूर से फॉलो करना चाहिए कि आप ना थोड़ा सा रेडी ज़रूर हो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और दिन के लिए तैयार हो। अगर आप घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ है, तब भी थोड़ा सा रूटीन ज़रूर से फॉलो करें। लाइक तैयार होने के बाद अच्छा सा आउटफिट पहन लें, अपनी ज्वेलरी पहन लें एंड रेडी हो जाएं घर के कामों के लिए, क्योंकि घर का काम भी एक तरह का दफ्तर ही है, राइट? तैयार होके ही चीज़ें करनी चाहिए, आप ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोडक्टिव फील करते हैं। और जब भी अगर आपके घर पे कोई अचानक से आ जाए, आप रेडी रहते हैं हमेशा, आपको कोई परवाह नहीं है कि कोई कभी भी कहीं से भी आ जाए। मैंने किसी का मैसेज या कमेंट पढ़ा, मुझे लग रहा है उन्होंने कहा था कि वो मुझे देख के उनको ना इंस्पिरेशन मिलती है तैयार होने की, अदरवाइज वो तैयार नहीं होती है। एंड फिर घर में जब कोई अचानक से आ जाता है, वो डोर भी नहीं खोल सकते, वो अपने हस्बैंड को कहती है डोर खोलो, देन तब तक वो कपड़े चेंज करती है, क्योंकि वो सारा दिन घर के जो कपड़े पहन के वो सोते हैं उसी में रहते हैं। तो उसी ऐसे होता है, लाइक आपको कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा करो ताकि थोड़ा चेहरा एंड आप पुट टुगेदर हो जाए एंड यू आर रेडी टू डील विद दिस। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना तैयार हो के घर में क्यों रहते हो। यार जिंदगी पता नहीं किड्डी आ, हर दिन नो थोड़ा वधिया तरह जी लो। तो किस दिन के लिए बचा के रखे तैयार होने को और कपड़ों को, केड़ा दिन वो आएगा स्पेशल जिस दिन तैयार होना है। अनलेस आप जैसे भी हैं और आप बिना रेडी होके भी बहुत खुश रहते हैं, आपको लगता है कि यही जीवन का सही तरीका है जीने का, अटेंड करो। अगर आज आपका आखिरी दिन होगा तो आप तैयार नहीं होंगे। आज आपके पास आखिरी दिन है, केड़ा कपड़ा पाओगे, केड़ी साड़ी, केड़ा अनारकली पहनोगे, कितना कुछ है ना पहनने के लिए। कि मैं जब तैयार हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं सारी चीजें कर लूँ जो मैंने पहले नहीं की है लाइफ। ओके, सो मैंने ना थोड़ा सा कंसीलर लगाया, उसी को मैंने सारे चेहरे पे फैला दिया। दूसरा चीज मैंने क्या की है, और कंसीलर लगाया थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, टू फेस का नेचुरल बेज। जो नेचुरल बेज है ना, वो मेरी स्किन के साथ अच्छा मैच करता है। अब मैं अगला स्टेप क्या करती हूँ, ब्लश लगाती हूँ, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा आ गया मेरी आंखों के आगे, जो मेरे को प्रोडक्ट नहीं दिखता। ओके, सो मिलानी का लुमिनोसो थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी मैं, उसके बाद मेरे चेहरे को सेट करेंगे। अगर ये ब्लश ज्यादा लग जाए तो कम फील होना शुरू हो जाता है। ऐसे मैंने ब्लश को लगा लिया, इसे ही थोड़ा सा आईज पर लगा देते हैं डैप डैप करके। अगला स्टेप है ये मैक का फाउंडेशन है, जो पाउडर फाउंडेशन NC35। बड़े से ब्रश पे लेके चिक्स पे सबसे पहले हम सेट कर देंगे, ताकि और थोड़ी सी कवरेज मिल जाए जो मेरे स्कार्स है उनको, और थोड़ा सा फोरहेड पे बचे हुए प्रोडक्ट को हम गर्दन की तरफ ट्रैक कर देंगे। तो वी आर डन। ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, मैं हमेशा नहीं करती हूँ। बड़ा सा ब्रश लेके ये जो ब्राउन्जर है जिससे मैं मेरे फेस को कॉन्ट्रोल करती हूँ, उसे मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर में लगा के क्रीज में कलर दे देती हूँ, देन इनर कॉर्नर में, देन डन लोअर लैश लाइन पे भी, क्योंकि फिर वो ना क्रीज सी आ जाती है, इससे जो मैंने कंसीलर लगाया वो भी सेट हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे। लैनकॉम का ये बहुत ही प्यारा सा मस्कारा है, यही यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल, इससे हम हमारी लैशेस को कोट कर लेंगे। बहुत अच्छा मस्कारा है ये, पर मैं एक ही कोट करूंगी क्योंकि मैं लैशेस लगाऊंगी, आप अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो। सो सेम और की लैशेस लगाऊंगी मैं। तो ये जो कॉन्टोर वाला पाउडर है, इसे मैं थोड़ा सा पिद्दी ब्रश पे लेके अपने चेहरे को थोड़ी सी शेप दे देते हैं, क्योंकि सारा चिटा चिटा हो गया है। आईब्रोज को थोड़ा सा फिल कर लेते हैं लाइटली, एंगल ब्रश पे लेके। लॉरियल की ब्रो जेल यूज की है मैंने, डीप इट ब्रूनेट है इसका शेड। ज्यादा प्रिसाइजली ये ज्यादा बहुत मजेदार क्लीनली नहीं करूंगी मैं, क्योंकि एवरी डे है ये और इतना टाइम मेरे पास नहीं है। इसी को ना मैं थोड़ा सा इनर आई कॉर्नर में भी लगा लेती हूँ, ताकि वो बेचारा ब्लरी ना लगे। प्रोडक्ट कट यूज करते हैं, तो इसी ब्रश को मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइनर जैसे लुक दे देती हूँ, ये ब्राउन से ही। तो मेरा आई मेकअप हो चुका है। ये मेबलिन का लिप शेड है मोर सेपिया, इसे थोड़ा सा लगा लेते हैं। मैं ये पिलो टॉक शार्लेट टिलबरी थोड़ा सा लगाऊंगी। सो मेरा रोज का मेकअप हो चुका है, ऐसे मैं रोज रेडी होती हूँ। मैं जल्दी से मेरी लैशेस को लगा लेती हूँ एंड बालों को स्टाइल करना वो मैं बाद में करूंगी, मुझे थोड़ा सा ग्रोसरी रन करना है। अभी आपको मिलता है थोड़ी देर में। कोट देखो मेरा, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है वैसे, पर मैं मेरे हस्बैंड को भी ले आई हूँ दो चार चीज़ें लेने के लिए, मुझे इंक चाहिए थी एंड साइन ऐसी। तो
ओके सो मैंने डिसाइड किया है बिहाइंड द सीन कुछ करने के लिए. आज हम लोग कर रहे हैं इंट्रो शूट. जैसे आप देख सकते हैं इंट्रो आपको ना अर्ली शूट कर लेनी चाहिए क्योंकि एंड पे जब रखते हैं तो इन दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है. दोनों नखरे करते रहते हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं आता, किसी ने कुछ कोई होर ही गल्ला करी आंदा, कोई कह रहा मुझे डायलॉग चाहिए, आई डोंट नो. कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टोपी के लिए लड़ रहे हैं. पहले मैंने सोचा था दो ले लूँ, फिर मुझे लगा कि दो ले ली तो डैस बन गए, तू पैसे ही खराब करती रहती है, एक को चाहिए थी और कहते कि दो होनी चाहिए. एंड हस्बैंड कह रहे हैं कि बड़े दिन का संदेश दूंगा, बड़ा दिन किड्डा क्यों बड़ा दिन. सो यार इट्स नॉट वेरी इजी. ओके और चॉकलेट पापा ओ यार सेंटा दो, ओ सेंटा मत दो, ये वो भी है. ओए तुम तुम मम्मी मम्मी मेरी बैटरीज मेरे को लिमिटेड हो गया है, तो बहुत सारी चीजें करनी होंगी. ओ क्या आ गया मेरे कितने दिखे शाओ शाओ. नो डैडी सेड ही कॉल मी ही कॉल मी 100 टाइम्स. ओके चीयर्स गाइस. वेट लेट्स चीयर्स एट द सेम एग्जैक्ट टाइम. ओके 3 2 Very good. Yeah, I know. Hot chocolate is my favorite. Let the corn thing, let the corn thing. It's pillow fight. No, I'm not playing. Fight to the one, go! अगले सीन दे वे क्या पर सारे हॉट चॉकलेट पी लिया. मैं हूं तेरा 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 तेरा. चलो थोड़ी पोजीशन चेंज कर दे. आई यू कॉल मी बिच पंपकिन पाई. हियर यू गो योर हॉट चॉकलेट. आई गॉट दिस फॉर व्हाइट. ओ सॉरी सो फाइनली वी आर डन विद द इंट्रो. बहुत एक्साइटेड आपको दिखाने के लिए, पर हस्बैंड एंड हिम्मत के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि लड़ाई बहुत करते हैं, मानते ही नहीं है. अब बताना कि आपको कैसी लगी. Thank you.
सो हम लोग खाएंगे ये बिकाजी की चौपाटी भेलपूरी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी हमें. लेट्स मेक इट सम मेस. मम्मी तो क्रेप्स क्यों नहीं खाते? चल ना खा हुन. Thank you very much. I don't know अगर आपने बाई सेक्टर वाली भेलपुरी खाई है या नहीं. इसका फ्लेवर काफी ज्यादा उसके जैसा है. अर्लियर हम सिर्फ हल्दीराम्स वाली भेलपुरी खाते थे. इसका साइज छोटा है बीकाजी, पर इसका फ्लेवर उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. अगर आप कनाडा में रहते हैं या किसी और कंट्री में, होपफुली आपको मिल सकती हो, वॉलमार्ट से मिल जाएगी. अच्छा फ्लेवर है इसका, ज़रूर से ट्राई करना. पर यह कि जब आपको खाना हो तभी फ्रेश बनाए, ये ना हो कि बना के रख लो, क्योंकि इस सारी का क्रंच फिनिश हो जाता है जब आप इसमें टमाटर, अनियन, नींबू ऐड कर देते हैं. तो बनाओ और 10 मिनट से खा लो. कम्फर्ट स्ट्रीट फूड. जिंगल बैल ने कपड़े नहीं चेंज किए थे. सो क्विक रन टू सोबी. यार ये तेरा आउटफिट ते बड़ा सोना लगन दिया. नेचर नल वाली है भाई, बड़ा सोना. चंद्रा पूरा चंद्रमा, चंद्रा चंद्रमुखी. ओके दोस्तों, क्विक रन करना पड़ रहा है. हस्बैंड ने कहा बार बार ग्रोसरी स्टोर्स लेके आती रहती है. सोबीज आए हैं. मैं ना सैंडविच बनाना चाहती हूँ इटालियन. सो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए. चल तेरी एक लॉटरी पावा. मैं नहीं मानूंगी. 30-40 मिलियन निकल जाना था. मैं नहीं लॉटरी पाऊंगी. ओके दोस्तों, हस्बैंड कह रहे हैं कि लॉटरी पाला. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी लॉटरी नहीं पाई और ना ही मैं पाना चाहनी हूं. वो आया सुशी बहू. यस इट्स टिक्की मसाला, चिकन टिक्की मसाला. आ वेखियो ओवरले जड़े ए लोग खाते नहीं है सारिया सब्जियां सुब्जियां रैप करके, बस गिला करके चौल लाना पतला जा, गिला करना है जो सारा को रैप करना खाना. ओके सो सब्जी कोई नहीं मिली है हमें, सिर्फ ब्रेड ते पेस्टो पेस्ट मिला है. इसी से मैनेज करेंगे. ओके सो ग्रोसरी स्टोर से घर आ चुके हैं एंड हम लेके आए हैं ये इटालियन बंस एंड पेस्टो. पेस्टो मेरे पास खत्म हो गई थी. इसकी रेसिपी मेरे किसी व्लॉग में है, कोशिश करूंगी कि उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दें. इसमें मैं जुकीनी ऐड करना चाहती थी या एग प्लांट, वो मुझे नहीं मिला है. जो भी सब्जियां फ्रिज में है वही खाएंगे. हिम्मत को राइस ही खाना है क्योंकि उसको बहुत पसंद है. हस्बैंड को मेडिटेशन करनी है खाने से पहले. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands, keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy.
short. Mm-mm, so beautiful. Kissing on a mistletoe, baby. We can. I don't need any presents. As long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful. Kissing on a mistletoe, baby. We can. तो सैंडविच बन चुका है, मैं खाने वाली हूँ। हस्बैंड अभी मेडिटेशन कर रहे हैं और वो बाद में खाएंगे, पर मैं थोड़ा जल्दी खाना चाहती हूँ ताकि सोने तक मेरा पेट थोड़ा एम्प्टी जैसा हो जाए। सो बहुत डिलीशियस है, पर इसमें कुछ सब्जियाँ मिसिंग है क्योंकि हमें मिली नहीं। सो ऐसे ही मैनेज करेंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर से ट्राई करना। सो गुड। All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing up. So मैंने सैंडविच खा लिया है, हस्बैंड को खिला दिया है, एंड अब बारी आती है क्लीन अप करने के लिए। जल्दी क्लीन अप करते हैं एंड मैं करने वाली हूँ किचन को क्लोज। आपको कल मिलती हूँ। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और या फिर मुझे देखते रहते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियोज़ आने वाली है, स्पेशली इस व्लॉग में इसको लेके। मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी वीडियोज़ को प्लान करके रखा है, कितने सारे DIYs, कितने सारे आर्ट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो प्यारी प्यारी रेसिपीज़ भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। कमेंट बार में कुछ भी आप सजेशन दे सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही कल नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, एंड आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय, लालू।